இன்னொரு பூர அரபி ஃபேஷன் ஷோ கரதாலே அப்ப இன்னொரு அரபி ஸ்டண்ட் ஓ இஸ் 3 2 ஓ மா ஆஜோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வந்துட்டா वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अरबी फैशन शो वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम उवेस की बैग के साथ उवेस 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 देखो पीछे देखो उवेस क्या लाए उवेस क्या लाए उवेस क्या लाए सब जिन्हें कुछ स्नैक्स लाए वाह वेरी गुड चलो डाइनिंग टेबल पर डालो इसे तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं तो गाइस आज है अरबी का फैशन शो बोलूं क्या बोलूं तो जिस तरीके से इन लोगों ने एंट्री की है ना तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अरबी फैशन शो हो गया ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटा सा बच्चा पार्टी बना रहे हैं उनके बाजी की तरफ से तो बाजी आने के एक आधा घंटा पहले कॉल कर दिए थे और बोला कि सब लोगों को कोई एक कलर के कपड़े पहनो तो इन लोगों ने डिसाइड किया पिंक कलर और ये सब पहन लिया है पिंक कलर इन लोगों ने क्योंकि आज बना रहे हैं बच्चा पार्टी डे आज है बच्चा पार्टी डे तो ये सब गिफ्ट्स हाथ से बनाए गए हैं जो भी मेडल्स हैं तो ये सब बाजी की तरफ से तो चले चलते हैं एक एक स्टूडेंट को दिए जाएंगे अभी मेडल्स और गिफ्ट्स बाजी की तरफ से तो चलो बाजी कम ऑन प्रोसीड आओ जी बाजी कह रही हूँ तो गाइस ये इसीलिए क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो बस बच्चों को खुश करने के लिए ये एक बाजी का सरप्राइज था तो बाजी सरप्राइज डे भी देते हैं बाजी सरप्राइज भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो बस यही एक छोटा सा सरप्राइज था बट आने से पहले ड्रेस कोड बोल दिया था उन्होंने तो ये एक बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पे अरेंज हो रहा है पूरे गिफ्ट्स चलिए देखते हैं क्या है इस गिफ्ट्स में ये है पुट्टी जो लास्ट में अपनी माओ को काम आ जाएगी फिलहाल इसके अंदर है चॉकलेट्स पेंसिल शार्पनर इरेजर तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक बच्चे के गिफ्ट्स के साथ चलो सोफ और तब तक यहाँ पे दिखाएंगे यूसुफ और ओवेस एक स्टंट करो एक इनो पूरा अरबी फैशन शो कर डाले आप इनो अरबी स्टंट करो 3 2 Very good, Wiz. Very good, very good. High five. Give me a five. Yeah. Very good. Come on, come on. चलो स्टार्ट करो चलो उवेस से स्टार्ट करो सबसे छोटे उवेस उसके बाद फलक उसके बाद बाकी पूरे बड़े बड़े अच्छा चलो चलो खड़को यो खड़को खड़को उठो 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 खड़ो विस ये विस टू मेडल और विस का गिफ्ट ओह इरेजर चॉकलेट्स पेंसिल शार्पनर विस और ये है फलक के लिए वेरी गुड वेरी गुड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह एंड नेक्स्ट इज फॉर शास्मी नेक्स्ट इज जाइनब कम ऑन गाइस कुछ तो चीयर करो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वेरी गुड बाजी को एक्सरसाइज हो जा रही है बार बार आना जाना ये नेक्स्ट इज जहरा फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड वेरी गुड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहम्मद यूसुफ अली खान के लिए स्पेशल अपीयरेंस आई मीन
यूसुफ अली खान के लिए कुछ स्पेशल। कमॉन कमॉन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कमॉन जल्दी 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 जल्दी। ये है एक स्पेशल माशाल्लाह जो बाजी की तरफ से तैयार किया गया है। स्पेशल क्राउन फॉर स्पेशल स्टूडेंट ऑफ द अरबी क्लासेस मदरसा। ये है यूसुफ के लिए। ये क्यों है ना गाइज, माशाल्लाह यूसुफ का गिफ्ट दे लो हम। यूसुफ का हिफ्ज हो गया है 27, 28, 29, 30 फर्स्ट पारा, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। कमॉन कमॉन, चीयर चीयर चीयर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गिफ्ट मिलते ही उसमें घुस जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब बच्चे आगे बढ़ो। आज सब में बैठो। ये वाला सुना मुझे तुम। चलो हो गया। क्या कर रही, क्या कुछ 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 चल रहा है वहाँ? What's going on? क्या हो रहा है? तो गाइज हमेशा जो है सरप्राइजेस होते हैं माँ बाप से बच्चों के लिए, हस्बैंड से वाइफ के लिए, वाइफ से हस्बैंड के लिए, बच्चों से माँ बाप के लिए, इनसे उनसे, बस ये होते ही रहता है। बट इस बार कुछ अलग हुआ है। यहाँ पे सरप्राइज हुआ है टीचर की तरफ से इन बच्चों को माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सिलेबस में पढ़ते हुए भी ये लोग हिफ्ज कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं दीन के लिए। तो बस इसी के लिए टीचर की तरफ से सरप्राइज था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ओके अभी होगा स्नैक्स। आ जाओ क्यू में, आ जाओ पूरे लाइन में आ जाओ स्नैक्स। ये देखिए बच्चे भी यहाँ पे खाने के लिए क्यू में लगे हैं गाइस। पुट्टी करेक्ट टेम्पल आया, सुपुट्टी पुट्टी में, पुट्टी के साथ क्यू में खड़े। क्या सोच को लाया सु तुम्हें पुट्टी? तो यहाँ पे बच्चे सब स्नैक्स लेने आए हैं मांगते हुए पुट्टी के अंदर। मेन पर्सन बाहर फिचर हो। चल चल लाइन में खड़ो, लाइन में खड़ो पुट्टी, हम पकड़ लेगा, लाइन में खड़ो। ये है केक, ये है बोरबॉन बिस्किट्स, हाइड एंड सीक बिस्किट्स, किट कैट, मेलोडी चॉकलेट, ये सब। हाँ चलो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो ये बस चलता ही रहेगा। कम ऑन कम ऑन, नेक्स्ट प्लीज। खा रही वेश? खाओ वेश, शर्मा उनको तुम्हें ले लेगा इसे वेश। थैंक यू वेश। यू कम कम, क्या बोले सुवेश? यू वेलकम। क्या वेश? यू वेलकम। बच्चे सब मस्त एंजॉय करें नी पूरा खाने के लिए। नेक्स्ट टाइम कुछ और रखेंगे गेम सभी। ओके चलो अब अल्लाह हाफिज, सिद्रा ट्यूशन जाना है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज। डॉम्स का वी इरेजर लिखा, ई इरेजर हो मैम, ई इरेजर, पेंसिल, हाइलाइटर, ये पेंसिल लड़के हम क्या गया सो ज़ारा के साथ एक्सचेंज कर लो। नहीं मेरा भी वो रंग प्रिंसेस उसके चेंज है। आजा रख लो, आजा रख लो, जो अल्लाह मंजर जो है जनरल उनको सारा को के लिए यहां पे हाइलाइटर दो। यहां कैसा वो शेप है फ्लावर का शेप का ना मेरा, वो भी दो ग्लिटर, फिर स्टार्स का, उसके बाद ये पेंसिल, फिर दो चॉकलेट्स, और फिर ये पांडा का इरेजर और शार्पनर, और शार्पनर पिंक कलर में। मेरा पिंक कलर में, मेरा पिंक पिंक बकेट, उसका हाइलाइटर ग्रीन कलर, हाँ, उसका दो पेंसिल, एक भैया का, एक मेरा, शार्पनर, उसका सिंड्रेला। सब ऐसे के दिखाओ।
उसके बाद किटकैट, उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद शार्पनर। थ्री टू वन। ये दीदी का गोटी। उसके बाद हाँ, उसके बाद धोया। ऐसा नॉर्मली भी होता दे। तो मैं मेरा दिखाता हूँ, ग्रीन कलर का। ऐसा ऐसा नॉर्मली भी होता, ऐसा भी होता और ऐसा भी होता। सो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी भी फिनिश हो गई थी। एक पार्टी थी उनके बाजी की तरफ से, एक छोटी सी शॉर्ट पार्टी में फिनिश कर दिया था हमने, क्योंकि बच्चों के टेस्ट भी होने वाले थे ना, स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों को पढ़ाई करना था, ट्यूशन जाना था, इसलिए बस एक छोटी सी पार्टी फिनिश कर दी थी। और मैं यहाँ पे आ गई थी इसके बाद डिनर बनाने के लिए, पालक गोश्त। तो मैंने ले लिया है बीफ बोनलेस, उसके साथ टोमेटो, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये अच्छी तरीके से सॉटे करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर और फिर ज़ीरा पाउडर और फिर गरम मसाला पाउडर और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे नमक और उसके बाद ऑयल। तो नमक हो गया है, अब फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे ऑयल और इसको अच्छी तरीके से सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पे तेल डाल के इसको 3 विजल्स के लिए बंद करके रख दिया था। और ये देखिए पालक भी यहाँ पर रेडी है, तो बस पालक के छोटे छोटे पीसेस करके इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको काट के रेडी रख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मटन भी रेडी है, सॉफ्ट हो गया था, तो चलिए जो पालक काट के रेडी रखा था ना, अभी ये पालक भी ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे पकाएंगे और इसके बाद इसको ढक के 10 मिनट्स के लिए दम को छोड़ देंगे बस। और इसके बाद रेडी है यहाँ पे भाजी गोश्त, तो सर्व करेंगे रोटी के साथ। आप चाहे तो इसको ड्राई भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।